तो दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रॉपर्टी भाई में। और आज दोस्तों मैं आपके लिए एक नोएडा के अंदर विला लेके आया हूँ जो कि रेडी टू मूव इन ऑप्शन में ही है, जिसका पोजेशन है इसी साल, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। सेक्टर 150 में है ये, महागुण मिडोज़ नाम से ये प्रोजेक्ट है। बेसिकली सेक्टर 150 की जो एंट्रेंस है उसमें एंटर करते ही थर्ड प्रोजेक्ट है मेन रोड पर, तो काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है। और अगर रेडी टू मूव इन देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है आपके लिए लेने के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली इसका जो साइज़ है वो 5000 स्क्वायर फीट का है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसका पूरा टूर दूंगा, इसका एरिया दिखाऊंगा किस तरीके से है, कैसा बना हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा, इसमें एंड में मैंने प्राइस रेंज वगैरह सारी चीज़ें बताई हुई हैं, तो पूरी देखिएगा वीडियो को। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ये है दोस्तों इसकी एंट्री, बाहर से कुछ ऐसी दिखती है सोसाइटी। ये रोड सेक्टर 150 में अंदर जाता है। चलिए अंदर चलते हैं। सो ये है दोस्तों सोसाइटी का एक एंट्रेंस मेन गेट, और ये सेक्टर 150 का रोड है जो आप देख रहे हैं इधर, फिर ग्रीन बेल्ट है, और उधर आप रोड देख रहे होंगे एक फोर लेन, ये डायरेक्ट कनेक्ट करता है FNG से जो इन फ्यूचर फरीदाबाद नोएडा गाज़ियाबाद को जोड़ेगा। देन आगे ये सेक्टर रोड ही 150 का आगे शहीद भगत सिंह पार्क है, उससे जाके टर्न लेता है लेफ्ट में। सामने आप देख रहे हैं एकोलाइन मेट्रो स्टेशन है। पेट्रोल पंप वगैरह भी ऑपरेशनल है देखिए आप, और हाईवे है सामने नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस पे। सामने आप देख रहे हैं जैसे तीन टावर बने हुए हैं एंट्री से, फिर बीच में 28 विलाज हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। ये लैंडस्केपिंग का काम चल ही रहा है आप देख रहे हैं। बीच में ये जो एरिया है पर्टिकुलरली ये सारा गोल्फ कोर्स रहेगा यहाँ पे, और दो टावर पीछे रहेंगे जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ। तो इन फ्यूचर आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना स्पेशियस रहेगा, एयरी होने वाला है। साइड में भी अच्छा, अगर आप देखेंगे ना तो ये वाला जो प्लॉट है पर्टिकुलरली ये सारा फ्यूचर में गोल्फ कोर्स रहेगा यहाँ पे, तो गोल्फ की लैंड है ये पूरी। सो बाहर भी आप देख सकते हैं लैंडस्केपिंग वगैरह इस साइड पूरा हो चुकी है, फिनिशिंग वर्क चल रहा है बेसिकली अभी तो। और पीछे मेरे ये विला है, चलिए टूर देता हूँ आपको इसका, अंदर चलते हैं। सो ये है दोस्तों महागुण मिडोज़ का विला, ये बेसिकली 5000 स्क्वायर फीट के अंदर है, ग्राउंड प्लस टू आप देख सकते हैं, साथ में बेसमेंट मिल जाता है। चलिए अंदर चलते हैं। एंटर करते ही ये पैसेज है, तो एंटर करते ही राइट में आप देखेंगे यह है इसका किचन। चलिए किचन देखते हैं इसका, प्रॉपर मॉडलर किचन आप देख सकते हैं। किचन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको चिमनी और हॉब मिलेगा लगा हुआ, ऑलरेडी इंस्टॉल रहेगा। बाकी फ्रिज आपको यहाँ नहीं मिलता है और माइक्रोवेव आपको नहीं मिलेगा। तो किचन से जैसे ही निकलते हैं हम, राइट में गेस्ट रूम है।
यहाँ पे आपको वुडन फ्लोरिंग मिल जाती है गेस्ट रूम के अंदर। ऊपर आप देखेंगे फॉल सीलिंग है। साथ में वॉशरूम, वॉशरूम में ग्लास पार्टीशन रहेगा एज इट इज जो आप देख रहे हैं। फिटिंग्स देख सकते हैं आप, कलर की फिटिंग्स है। तो ये है दोस्तों इसका डाइनिंग एरिया, उधर एलिवेटर है। तो ये आप देख सकते हैं प्रॉपर डाइनिंग एरिया, यहाँ पे भी फॉल सीलिंग मिल जाती है आपको। तो डाइनिंग और लाउंज के साथ यहाँ पे आपको पर्सनल पूल भी मिल जाता है। यहाँ पे आप ऑप्शन रख सकते हैं, आपको पूल चाहिए या फिर आप अपना पर्सनल गार्डन बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये इसका लिविंग एरिया, ये भी आप देखिए डबल हाइट में बना हुआ है, ग्रैंड फील देता है पूरा। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके फर्स्ट फ्लोर पे। सो फर्स्ट फ्लोर पे एंटर करते ही चलते हैं हम फर्स्ट रूम की तरफ। सो ये है दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पे फर्स्ट रूम विद बालकनी। तो ये है बालकनी। सो इधर हमको मिल जाती है वॉक इन क्लोजेट पूरा। देन फर्स्ट फ्लोर पे ये आ जाता है फैमिली लाउंज। साथ में बालकनी।
देन इधर आपको एक पेंट्री मिल जाती है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सेकंड रूम की तरफ, फर्स्ट फ्लोर का। सो अगेन यहाँ पे वुडन फ्लोरिंग, सभी रूम्स में वुडन फ्लोरिंग मिल जाती है। साथ में वॉशरूम, इस रूम के साथ भी आप बालकनी को एक्सेस कर सकते हैं। ग्लास पार्टीशन, चलिए दोस्तों अब चलते हैं सेकंड फ्लोर पे। तो अब मैं आ गया हूँ सेकंड फ्लोर पे। सेकेंड फ्लोर पे आपको टेरेस भी मिल जाता है, आपका पर्सनल टेरेस। चलिए मैं आपको टेरेस ही दिखाता हूँ। चलिए कुछ इस तरह से सोसाइटी का व्यू आता है। अभी एक बार लैंडस्केपिंग वगैरह हो जाएगी तो बहुत ब्यूटीफुल लगने वाली है सोसाइटी। तो ये है दोस्तों सेकंड फ्लोर का फर्स्ट रूम। सेकंड फ्लोर का फर्स्ट रूम है ये। अगेन साथ में बालकनी मिल जाती है। तो चलिए आपको वॉशरूम दिखाता हूँ इसका। बाथटब मिल जाता है सेकंड फ्लोर के वॉशरूम में। इधर आपको वॉक इन क्लोजेट मिल जाती है पूरी। तो चलिए और देखते हैं। देन अगेन सेकंड फ्लोर पे लाउंज एरिया मिल जाता है। साथ में ही यहाँ पे पूजा रूम मिल जाता है सेकंड फ्लोर पे। अब चलते हैं सेकंड फ्लोर के सेकंड रूम में। साथ में अगेन वॉशरूम, इधर विंडो मिल जाती है, देन बालकनी। वॉशरूम सेम ही है,
जैसे फर्स्ट फ्लोर पे हमने देखा था सेम वही है, ग्लास पार्टीशन। तो अब मैं आ गया हूँ दोस्तों इसके टॉप फ्लोर पे जो कि रूफ टॉप है। आपको इसका टेरेस दिखाता हूँ मैं। सो ये है इसका टेरेस विला का। यहाँ पे अपना छोटा मोटा गेट टुगेदर कर सकते हैं फ्रेंड्स फैमिली के साथ। इधर आप देखेंगे तो ये काउंटर्स भी बने हुए हैं, अभी इस पर सामान रखा है, ये काउंटर है। लाइक बारबेक्यू वगैरह करना है तो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पे स्टोर मिल जाता है टेरेस पे। इसके साथ में ये जो सोसाइटी है ये भी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, फैमिलीज रह चुकी रहती हैं इसमें अभी भी। सो फ्रेंड्स अभी मैं आ गया हूँ इसके बेसमेंट में, बेसमेंट आपको दिखाता हूँ। बेसिकली यहाँ पे आप बहुत आराम से चार गाड़ियों की कार पार्क कर सकते हैं। पार्किंग के साथ ही यहाँ पे सर्वेंट रूम मिल जाते हैं। इधर अगर आप देखेंगे तो ये सर्वेंट रूम और वॉशरूम है। अगेन ये भी डबल हाइट में है बेसमेंट। इवन यहाँ पे तो आप इन फ्यूचर कभी कोई फंक्शन भी कर सकते हैं, नीचे छोटी सी पार्टी करनी हो, गेट टुगेदर करनी हो। तो ये दोस्तों आपने देखा महागुन मिडोज सेक्टर 150 में विला। बेसिकली अगर मैं इसकी प्राइस रेंज की बात करूं तो ये 4 CR में आता है। आपने देखा इसमें प्रॉपर 5 BHK है ये। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो आपको अच्छी चीज़ ये है कि इसका पोजेशन जो है वो इसी साल 2021 के अंदर ही है। तो अगर आप ऐसी कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं नोएडा के अंदर जो रेडी टू मूव इन टाइप हो, तो उस तरह से ही ये प्रॉपर्टी है, कंप्लीट हो चुके हैं। सोसाइटी भी में अभी लैंडस्केपिंग का काम चल रहा है, तो जैसे मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था। तो अच्छा एक ऑप्शन है। और 150 में वैसे भी ये लोकेशन बिल्कुल एंटर करते ही थर्ड प्रोजेक्ट है, ये मेन रोड का प्रोजेक्ट है। तो अच्छी प्रॉपर्टी है, रेडी टू मूव इन में अगर ऑप्शन में आप जा रहे हैं तो आप इसको देख सकते हैं। तो अगर आप नोएडा के अंदर ऐसा कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं जो इंडिपेंडेंट विला हो, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छा डेवलप भी हो रखा है और सोसाइटी भी इसकी USP है कि बहुत ओपन लगा मुझे, मेरे अकॉर्डिंग भी काफ़ी ओपन है, किसी तरह से कंजेशन नहीं है। दोनों ही साइड इस सोसाइटी के गोल्फ कोर्स आने वाला है इन फ्यूचर, तो वो भी एक एडवांटेज है। बाकी रेडी टू मूव इन ऑप्शन है। कोई और डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर भी मेरा नंबर आ रहा होगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बाकी और क्या वीडियो देखना चाहते हैं, क्या कोई रिक्वायरमेंट है आपका, तो मुझे बताइएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।